कैसा लग रहा है बताना? ठीक है, 600 का बोल रहेगा। 600 हमारा स्टेशन है भागलपुर। वैलेंटाइन डे पे किसी ने इसमें से दिल उठा लिया था। ठीक है, यहाँ पे पार्क बहुत ही अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। एंड गाइज, आज हम जा रहे हैं, मतलब हमने सिर्फ मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है स्टेशन। एंड आज मेरा पूरा दिन घर से बाहर बीतने वाला है। गाइज, 12 के बाद अभी न्यू रूल आया था गवर्नमेंट का अभी हाल ही में कि एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा CUET का, तो उसी के लिए मैंने भी अप्लाई कर दिया था, फॉर्म भर दिया था। एंड आज मेरा डेट आ चुका है। एंड जो मेरा सेंटर है वो पढ़ा है काफ़ी दूर, मतलब भागलपुर में पढ़ा है, और भागलपुर बिहार का बहुत ही पॉपुलर इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है, जो कि शायद आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी बार। ठीक है, तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं कैसा व्लॉग बनता है। देखो, जो मैं कहीं एग्ज़ाम देने जाता ना, मैं व्लॉग इसलिए नहीं बनाता क्योंकि सबसे पहले तो अंदर से रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं थोड़ा नर्वस रहता है। ठीक है, ऊपर से ये वाला एग्ज़ाम कॉपी पेन से नहीं होने वाला, पूरा एग्ज़ाम PC या कंप्यूटर में ही होने वाला है। एंड मैं कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाया आज तक, ठीक है, लेकिन कर लेंगे। ठीक है, और चलो आप लोग कंटिन्यू बने रहो और जो जो दिखाना होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, जाते जाते एक मास्क ले लिया है एंड यहाँ पे एक रुमाल ले लिया है। जितनी बार भी रुमाल लेते हैं उतनी बार रुमाल गुम हो जाता है। ठीक है, इस बार इसको बचा के रखेंगे। और स्टेशन पहुँच चुके हैं, अभी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है तो जल्दी से चलते हैं। तो गाइस, फाइनली स्टेशन आ चुके हैं। ये अनुराग, इसको तो आप जानते हो, ये इसका फ्रेंड। ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं आज का पूरा दिन, मतलब वहीं जाना है। ठीक है, और बाकी देखते हैं क्या क्या वहाँ पे दिखाई देता है। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को जिन लोगों ने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। गाइस, फाइनली ट्रेन में आ चुके हैं। तो गाइस, फाइनली भागलपुर एंटर हो चुके हैं। एंड ये हमारे यहाँ का ऐसा, मतलब जिला है, जंक्शन है, जो कि पॉपुलर है। ठीक है, एंड हर जगह बड़े फ्लैग लगे होते हैं, लेकिन इस वक्त फ्लैग रिमूव किया हुआ है, पता नहीं क्या रीज़न है, शायद साफ वगैरह करते होंगे। एंड चलो चलते हैं जहाँ पे मेरा CUET का सेंटर है, वो यहाँ से कुछ दूरी पे है, पहले कुछ खा पी लेते हैं उसके बाद जाना है। ठीक है, एंड आज पूरा दिन मतलब ये भागलपुर में ही हमारा चला जाने वाला है। यहाँ पे हम लोग अपने 5-star रेस्टोरेंट आ गए। ठीक है, एंड चिकन ऑर्डर कर दिया, देखते हैं क्या होता है, पहले खावा लेते हैं क्योंकि सबसे पहले खा लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या सोचना चाहिए। गाइस, खाना वाना खा के फ्री अब जा रहे हैं। गाइस, इसको कैप लेना है, बाल होते हुए भी इसको कैप लेना है, क्योंकि अभी ये बाल है पूरा कटवाने वाला, एकदम टकला होना है। गाइस, तो चलो उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्लान है। बहुत ज़्यादा धूप है, पहले की तरह हर बार की तरह बहुत गर्मी है, और अभी सुबह के लगभग 11 बजे 12 बजे तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। ये देखो, कैप लिया इसने एक, एंड मुझे यहाँ पे कोई एक चश्मा लेने का मन कर रहा है, मैंने कभी ज़िंदगी में चश्मा नहीं लिया है। ठीक है, कोई एक सन ग्लासेस टाइप का कुछ लेना है मुझे, और देखता हूँ यार, मुझे चश्मा वैसे अच्छा लगता है लेकिन महंगा देता है तो मुझे मज़ा नहीं आता। कैसा लग रहा है बताना? ठीक है यार, दाम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं भैया, 600 का बोल रहा है गाइस, 600। अरे उतना एक्सपेंसिव नहीं है, मॉल नहीं है यहाँ पे, दुकान है, देख लो। ठीक है, एंड यहीं से ले रहे, देखते हैं क्या होता है। गाइस आ गए हैं यहाँ पे, देख सकते हो ये हमारा स्टेशन है भागलपुर। ठीक है, एंड लोग कहते हैं झारखंड बिहार कैसा है, तो देख लो ब्लॉग में कुछ ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे बहुत कुछ हो गया है, पहले से काफ़ी बदल गया है। और यहाँ पे एक किस्सा मेरे दोस्त को पता है, ठीक है, तो उसने मुझे बताया, मैं आपको बताता हूँ। गाइस, ये जो आप आई लव भागलपुर देख रहे हो ना, ये पिछले साल वैलेंटाइन डे पे किसी ने इसमें से दिल उठा लिया था। ठीक, देखो आज की में लोग क्या क्या कर देते हैं, ये जो आई लव भागलपुर लिखा है इसका दिल ही उठा लिया था, चोरी हो गया, फिर दोबारा लगाया क्या? हाँ, तो दोबारा ही लगाया, दोबारा लगाया। ठीक है, मतलब वो दिल रह गया उसकी गर्लफ्रेंड के पास। वाह, क्या गिफ्ट है, तो आपको भी आना है तो आओ और दिल ले जाओ उठा के। गाइस, ये है यहाँ का स्टेशन, लिफ्ट की सुविधा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे देखो, क्योंकि भागलपुर जंक्शन एक मेन जंक्शन पड़ता है, सो यहाँ पे सुविधाएं दी हुई है। ठीक है, ये देख सकते हो काफी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। एंड यहाँ पे ये कुछ स्टे करने के लिए, बैठने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, किसी को खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। तो
गाइस देख सकते हो एस्केलेटर पे काफ़ी टाइम बाद, मतलब डायरेक्टली 10 साल बाद पंजाब से डायरेक्ट यहाँ आया हूँ तो चढ़ रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर मतलब मॉल्स वगैरह में होता रहता था, लेकिन यहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम बाद इस पे चढ़ा भाई। पहली बार तो मैं अचानक से आगे गया तो मैं डर गया, ठीक है। ये देखो एस्केलेटर का गलत यूज़, देखो ये जूते साफ़ कर रहे हैं, ऐसे पूरी पब्लिक करती है। ये यहाँ पर देख सकते हो ये ब्रिज है, ठीक है, काफ़ी अच्छी खासी चौड़ाई है ब्रिज की, एंड ठीक है, मतलब कोई भी पैसेंजर्स को दिक्कत तो नहीं होने वाली है। गाइस अप्रॉक्स 12 बजने ही वाला है एंड हम लोग बोर हो गए हैं स्टेशन में, एंड अभी भी एग्ज़ाम टाइम है, मतलब 2 से 3 घंटा है और इसे पार्क जाना है, ठीक है। एंड इसका कहना है कि पार्क से हम जल्दी आ जाएंगे, यार मुझे तो डर लगता है कि एग्ज़ाम मतलब लेट ना हो जाए, लेकिन ये कह रहा है कि 10 मिनट लगेगा, ठीक है। तो चलो आपको पार्क भी घुमा देते हैं थोड़ा सा। फाइनली अपने लोकेशन पे आ गए, ठीक है। आपको थोड़ा सा एंट्रेंस दिखा देते हैं, ये देखो गाइस एंट्रेंस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अंदर से और ज़्यादा अच्छा होगा। ये इसके बाहर का सीन है और चलो फिर अंदर चलते हैं, उसके बाद का आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है वो जगह, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा इलाका लग रहा है यहाँ का, तो ये जो प्लेस है ये यहाँ का नाम है सेंडेंस का फॉर्म, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं, बस पूरा फील्ड नहीं दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पर पूरा फील्ड है बहुत बड़ा, ठीक है, एंड ये लेकर तो आ गया है, देखते हैं अब कितना टाइम लगा पाते हैं। 12 बज गया लेकिन ज्यादा कुछ यहाँ पे पता नहीं चल रहा है गर्मी का। तो गाइस ये बोल रहा था क्या कि स्टेशन पे 2 घंटे बैठ के ऐसे टाइम वेस्ट करो, मैं बोला इससे अच्छा चलो कहीं घूमते उमते हैं, ये आ ही नहीं रहा था, उसको पकड़ के लेके आना पड़ा। नहीं बहुत रिस्क लगता है ना, पहली बात तो एग्जाम देने मैं जल्दी घर से निकलता तो हो नहीं, ठीक है। ये मतलब बच्चा है गाइस, मुझे बच्चा समझ लो आप लोग, क्योंकि मैं ज्यादा घर से बाहर गाड़ी मुझे आ गया बट है बच्चा, खैर मेरा आया लेकिन मैं सेव करा के रखा, सेव करा के रखा राजा जी। नहीं देखो यार मेरे को ज्यादा घूमने की आदत नहीं है, ठीक है, एंड ये स्टार्टिंग से बाहर ही रहता है, तो एकदम लफंगा समझ लो इसको, ठीक है, प्योर लफंगा। तो बस ऐसा एक लड़का साथ में होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो इन लोगों को तो पता है ना, आराम से घूमो फिरो कोई टेंशन। तो चलो चलते हैं और थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ आप। तो गाइस यहाँ पे पार्क बहुत ही अच्छा है, पार्क बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक सेकंड दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये है कुछ जगह, ठीक है, सीधा वे है यहाँ पे, ठीक है, एंड मुझे लगता है शाम को बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा। गाइस यहाँ पे देखो ये है जिम, बास्केटबॉल, हाँ टेनिस है, तो ये पूरा आपको दिया हुआ है सुविधा, यहाँ पे बास्केटबॉल टेनिस वगैरह खेल सकते हो। गाइस यहाँ पे देखो पुरुष के लिए शौचालय, यहाँ पे पुरुषों के लिए इतना सोचा गया है जितना महिलाओं के लिए भी नहीं सोचा जाता है, ठीक है। एंड ये देखो ये होता है टॉयलेट, ठीक है, और हर जगह का टॉयलेट आप लोग देखते हो ना किस तरह का होता है, भाई साहब उसमें कुत्ता भी मूतने ना जाए बाहर ही मूतले, ऐसा टॉयलेट होता है। बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखो इसको कहते हैं टॉयलेट। गाइस यहाँ पे देखो ये है इलाका, ठीक है, इसलिए जिद कर रहा था आने के लिए, मैं यहाँ पे बोल रहा था कि यार क्या टाइम लग जाएगा ये वो, लेकिन ठीक है जगह, धूप वूप है, एंड बता रहा हूँ यहाँ पे 12 बज रही है लेकिन गर्मी नहीं लग रही उतनी अभी, ठीक है, ठंडक का एहसास हो रहा है। और ये है कुछ राइड्स, गेट खुलेगा बंद है, तो गाइस गेट अभी बंद है राइड का, ठीक है, एंड शाम को खुलता है। यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ यहाँ पे झूले वूले हैं अंदर, ठीक है, ये आपको मैं अंदर हल घुसा कर दिखा देता हूँ, देख सकते हो, ठीक है। तो ये अभी बंद है क्योंकि इस वक्त वैसे भी कोई नहीं करेगा इतनी गर्मी में, एंड यहाँ पे देख सकते हो गार्डनिंग वगैरह चलती रहती है, पूरा हरा हरा कर रखा है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ पार्क है, एंड यहाँ पे हर चीज में मस्ती मस्ती है, पे हर चीज में मस्ती मस्ती है, लेकिन एक सेकंड ऐसे में बड़ा सख्त लौट रहा हूँ, लेकिन यहाँ में पिघल गया, कोई बात नहीं, काफी बढ़िया है, ठीक है। एंड यहाँ पे पूरे इतने ज्यादा ग्रीनरी है ना कि आप खो जाओगे, ठीक है, देखो सबकी मदद देंगे। वहाँ पे देखो कपल्स लोग बैठे हुए थे, ठीक है, आपको पता ही ना यहाँ पार्क वगैरह में क्या चल रहा होता है, रोमांस। एंड अभी आपको मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई,
तो उन्हीं में से एक ने रुक के कहा कि भाई वीडियो क्यों बना रहे हो, ठीक है? तो हमने कहा यार वीडियो तो बनाते हुए आए, नहीं ये नहीं मैं हाँ। ये तो चुपचाप बैठा था। नहीं यार मतलब ये गाइस ये डरपोक चुपचाप बैठा, मैं लफड़े में नहीं पड़ना चाहता यार। कपल्स है अब यार, वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो लोग बोलने लग गए कि ये वीडियो क्यों बना रहे हो। तो इसने बोला भैया वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं पूरा। मैंने ही बोला कि हम वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं, ऐसा कुछ पर्सनल आपको थोड़ी दिखाया, ठीक है? मतलब उन लोगों को थोड़ा सा लगा कि हमें क्या वीडियो में दिखा रहे हो। तो भैया आप खुलेआम आशिकी करोगे तो वीडियो में तो आओगी, ठीक है? तो चलो फिर अरे आशिकी करनी है रेस्टोरेंट में जाओ यार, ये क्या पार्क में आते हो, पैसा नहीं है तो मेरे से नहीं, इसको जलन हो रही है क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। अरे है मैं दिखा सकता, अरे है मैं दिखा सकता राजा जी, अंडा मेरे पास है, ठीक है? तो क्या इतनी दूर, बहुत लॉन्ग टाइम रिलेशन चल रहा है, वीडियो देखेगी वो इसकी वाली के पास वीडियो जाने वाला है, ठीक है? तो बस अनुराग को खुश रखना जो भी वीडियो देख रहा है ना अनुराग। ये है वाटर पार्क, देख सकते हो स्विम करने देता है यहाँ पे, स्विमिंग बच्चे लोग के लिए है ये, है ना? तो ये हो गया एंड यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा है इलाका, ठीक। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी देर हमने स्टे किया, 10-15 मिनट हमने जो वीडियोस बनाई थी कमाल की वो हमने देख ली। वीडियो बहुत अच्छी बनी है और जगह भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी जगह है, ठीक है? एंड अब जाना है मुझे एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ की भी टेंशन लगातार हो रही थी कि टाइम ना हो जाए, लेकिन हमने फिर भी ठीक ठाक घूम लिया। इतनी गर्मी है, धूप है, तो हम पूरा तो नहीं घूम सकते, अभी आएंगे कभी फिर से, लेकिन जगह अच्छी है ये तो पता चल गया। गाइस फाइनली निकलने का टाइम हो गया, यहाँ से निकलते निकलते थोड़ा सा कूल हो जाते हैं। वैसे मैं जाते समय आइसक्रीम लेना चाहिए था, लेकिन आते समय आइसक्रीम नहीं, ठीक है? अब चलते हैं एग्जाम सेंटर और देते हैं एग्जाम पूरा तो एंजॉय तो कर लिया, अब एग्जाम की बारी, देखते क्या होता है। यहाँ पे कमाल की चीज़ है, ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट, ठीक है? अब अंदर ऐसा क्या होता होगा जो इलेक्ट्रॉनिक होता होगा, टॉयलेट में ऐसा क्या इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, मैं वही सोच के अजीब सा लग रहा है, ठीक है? लेकिन है इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट भाई साहब, क्या क्या चीज़ बना रखा है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली एग्जाम सेंटर आ चुके हैं, ठीक है? ये देख सकते हो ये यहीं पे खड़ा रहेगा, यहाँ पे अभी आएगा लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह एंड यहाँ पे मैं बैठूँगा, टीचर आएंगे, एग्ज़ाम यहाँ पे लिया जाएगा। देख सकते हो सारे लोग आ चुके हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से थोड़ी सी दूर में है, 2-4 कदम, और मतलब हम लोग आए थे एग्ज़ाम देने, अभी 2 घंटा है भाई साहब, और यहाँ पे सभी लोग स्टे कर रहे हैं जितने भी बच्चे आए हैं, और ऐसा नहीं यहाँ पे कैसे एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। गाइस स्टे करने की जगह को दिखाओ अच्छे से, के 7 बज चुके हैं एंड अब हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। जैसे कि मैंने कहा था पूरा दिन बाहर ही बीतने वाला, तो सही में पूरा दिन बाहर ही बीता, और एग्ज़ाम का जो था वो तो बहुत ज़्यादा भाई साहब सबसे मतलब अपर फ्लोर में दे दिया था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एग्ज़ाम वगैरह तो ठीक से चला गया, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई साहब, बहुत टाइम लगा और पूरा 3 घंटा एक चेयर पर बैठना पड़ा, ठीक है? पीछे देखो ये क्या कर रहा है, ठीक है, बैठ के। तो इसने पूरे दिन मज़े मारे हैं, आज मेरे से ज़्यादा ही मज़े मारे हैं इसने भी। गुड मॉर्निंग गाइज एंड ये व्लॉग मैं अपने घर पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कल आया था तो बहुत ज़्यादा मतलब रात हो गई थी बिल्कुल, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, उसके बाद मतलब मैं व्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं किया, ठीक है? एंड इसे देखो ये देख रही है, ठीक है? एंड इस व्लॉग में किसी की भी प्राइवेसी वगैरह कुछ लीक नहीं, हमने कुछ भी क्लियरली किसी का फेस नहीं दिखाया, कुछ शो नहीं किया, ओनली सिर्फ मज़े के पर्पज से था यार, एक टाइप की कॉमेडी हुई व्लॉग में, एंजॉय हुआ, ठीक है? सो किसी को भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, और चलो आज के व्लॉग में इतना ही। इसी तरह से व्लॉग देखते रहना चाहते हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो आज के व्लॉग में इतना ही, किसी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।